हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 12 ऑलमोस्ट बज ही चुके हैं और अभी हो रही है हमारे व्लॉग की शुरुआत। अभी तक हम लोग थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से उठे भी लेट और फिर ब्रेकफास्ट बनाया, फिर ब्रेकफास्ट किया और आज है स्वाति का बर्थडे तो हम लोग हो चुके हैं तैयार। हम जा रहे हैं, यहाँ जटोली टेम्पल है पास में, वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि बर्थडे है तो ऑब्वियसली दिन की शुरुआत आपको मंदिर जाने से करनी ही चाहिए और इसलिए मैम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको देख सकते हो आप कैसे लग रही है स्वाति एकदम। और इसको बहुत सारे ढेर सारे लोग विश करना। और तो दोस्तों ये है मेरा आज का OOTD सिंपल कुर्ता एंड ट्राउजर, क्योंकि बाकी दुपट्टा नहीं डाला मैंने। मतलब ऐसे तो यहाँ पे गर्मी भी है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवर हो जाता है। कुर्ता भी ठीक है इतना सिंपल, स्वाति की चॉइस। इसे हंस रही है मेरी बातों में। कुर्ता भी ठीक है। हाँ मतलब कुर्ता, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुर्ता भी ठीक है, ऐसा सिंपल, ज़रूरी नहीं है कि आपको दुपट्टा डालना चाहिए। तो इसीलिए और थोड़े बहुत बालों को कर्ल वर्ल किया है आज, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया है, स्वाति नहीं किया है क्योंकि स्वाति जब आती है ना तभी थोड़ा बहुत मेकअप करती हूँ मैं। दूसरे साइड दूसरे बंदे के साथ रहकर आपको भी ऐसा होता है ना, चलो ठीक है कोई करने वाला है आपके मुंह पे करके दे रहा है और ये बाल कल करके दे रहा है, तो अगर आपको सब चीज़ें फैसिलिटी मिल रही है तो आपको उसका आनंद उठा लेना चाहिए। तो बस यही है और हम दोनों ये फ़िलहाल चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर दिख रहा है टेम्पल और अभी हम यहाँ से जाएंगे ऊपर को। और मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे और बाहर से देखकर ही इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, और बहुत ज़्यादा ऐसा एक्साइटमेंट हो रही है अब क्योंकि हम फटाफट से ऊपर जाते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बाहर मेन गेट पर जहाँ से एंट्री होती है। अभी मेरी तो नीचे से आते आते इतनी ज़्यादा सांसें फूल गई ना, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पर गेट से एंटर करते ही इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनी है वॉल पर, आप देख सकते हैं। ये वाली पेंटिंग है उस विष्णु भगवान जी के मोहिनी अवतार की और ये भी उसी रिलेटेड है, ये है समुंदर मंथन वाली। और इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना ये, इतनी ज़्यादा सुंदर, बहुत मज़ा आ गया। लेकिन गाड़ी आ रही है अभी और इतना, और यहाँ से सामने का व्यू, वाह। और स्वाति पता नहीं क्या ही कर रही है पीछे, निविदा से बात कर रही है अभी। अभी हम लोग इतना घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो हम यहाँ पे बैठे हैं और पीछे मंदिर का इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, और सामने का भी इतना ही कमाल है जितना बैक साइड का है। और ये देखो बैटरी कितनी डाउन हो चुकी है इसकी क्योंकि वो एक तो ऐसा है ना, जहाँ पे व्यू अच्छा है वहाँ पे लाइट अच्छी नहीं आ रही है, जहाँ पे लाइट अच्छी है वहाँ व्यू अच्छा नहीं है, तो फ़ोटो लेने के चक्कर में कभी इधर कभी उधर कभी मतलब भटक ही रहे हैं हम, तो बहुत थक भी चुके हैं इस वजह से थोड़ा सा यहाँ बैठे हैं और प्यास भी बहुत लग रही है। और इधर हमने पानी की बॉटल भी नहीं लाई है अभी, तो सबसे पहले नीचे जाकर पानी की बॉटल ख़रीदनी पड़ेगी और पानी पीना है बहुत सारा। बस यही चल रहा है फ़िलहाल, फिर हम अभी जाएंगे सोलन, सोलन में जाके देखते हैं क्या करेंगे। वैसे भी गर्मी यहाँ पर काफ़ी है ना, है ना,
बहुत है ना, तो मिलते हैं आपसे सोलन में। तो अभी हम लोग आए हैं कुछ खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो सोलन आ गया, हमने पहले सोचा कि पहले कुछ खा ही लेते हैं। तो आ चुका है हमारा भोजन पानी, अब हम खा लेते हैं कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, दो शब्द कहिए आज अपने जन्मदिन के अवसर पर। कुछ नहीं, बहुत गर्मी है बाहर बस। ओके, अभी हमारा खाना पीना डन हो चुका है और अब आए हैं हम थोड़ा बहुत घूमने। स्वाति अंदर शॉप में जा चुकी है क्योंकि उसको निविदा के लिए कुछ लेना है। तो मैं यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खुद को देख कर, सेल्फ ऑब्सेस्ड। कोई मेरी तारीफ़ करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं खुद को देख देख के खुद की तारीफ़ खुद ही कर लेती हूँ। तो वापस भी आ गई है भाई। निविदा को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, पूरी शॉप हमने देख ली है, बट मैं बैठ थक के बैठ चुकी हूँ। बट अभी स्वाति की एनर्जी है तो वो लगी है अभी। चलो बनाने, हाँ तो अब तो वीडियो बना रहे हैं। फाइनली इतना कन्विंस करने के बाद हमारी शॉपिंग हो चुकी है डन। बहुत मुश्किल हुई है हमारे को ये शॉपिंग करने में। खुद के लिए शॉपिंग करना फिर भी आसान है, बट दूसरों के लिए शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो समझ नहीं आता दूसरों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, बट फिर भी कैसा लगा आपको? इसने सबका वो लिया होता है कि इसको सबके लिए शॉपिंग करनी है, बट जब उसको इतनी मुसीबत फेस करनी पड़ती है फिर दुखी हो जाती है। क्यों फाइनली हम सोलन से आ चुके हैं वापस और डिनर करने आए हैं। इसका मन ही नहीं भर रहा भाई, खा खा के पूरे दिन से खाए जा रहे हैं। यहाँ से जटोली टेम्पल का इतना सुंदर व्यू दिख रहा है, अभी तो नहीं दिखेगा क्योंकि अभी लाइट्स नहीं जली है, बट आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा ऊपर। और जब आज हम मंदिर गए थे तभी हमने सोच लिया था कि हम डिनर यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छा व्यू आता है और ऊपर लाइट्स आज कम ऑन है इसीलिए कुछ दिख नहीं रहा है। फाइनली हम लोगों का डिनर विनर सब हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं रूम, तो लेट हो रहा है तो चलते हैं फटाफट से।